नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के, दैनिक पंचांग 22 अगस्त सन 2022। आज की तिथि वार नक्षत्र योगकरण की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज का राहु काल का शुभ समय क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय और गोलिक काल का शुभ समय क्या रहने वाला है, आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के आज 6 प्रविष्टा है वर्षा ऋतु। कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय। एकादशी तिथि पूरे दिन भर व्याप्त रहेगी। आज का वार सोमवार है। आज मृग शिरा नक्षत्र 7:41 रात्रि तक रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र होगा। जबकि आज वज्र योग 11:39 मध्य रात्रि तक रहेगा और उसके उपरांत सिद्ध योग होगा। 4:53 सायंकाल तक वर्वकरण रहेगा, उसके बाद बालवकरण होगा। आज राहु काल का अशुभ समय 7:31 प्रातः काल से लेकर के 9:08 प्रातः काल तक रहेगा। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:58 से लेकर के 12:50 मध्याह्न काल तक रहने वाला है और गोलिक काल का समय दोपहर 2:02 से लेकर के 3:40 दोपहर तक रहेगा। किसी भी नए व शुभ कार्य को राहु काल में कभी भी शुरू न करें। अभिजीत मुहूर्त और गोलिक काल में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को किया जाता है। गोलिक काल में यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करना चाहिए। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा का है। आज पूर्व दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते हैं, नौकरी व्यवसाय कामकाज को लेकर के प्रतिदिन पूर्व दिशा की ओर जाते हैं, तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी खास काम से आवश्यक स्थिति में आज आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, तो दर्पण में अपने आप को देख करके ही पूर्व दिशा की ओर यात्रा करें। जब भी आप घर से यात्रा के लिए निकले, उस समय देखें जिस भी नासिका क्षेत्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो, यानी गतिमान स्थिति में हो, उसी तरफ के पैर का पहला कदम रख करके यात्रा शुरू करिएगा। निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद व मंगलमय होगी। आज अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। समस्त वैष्णव भक्तों को अजा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करें। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का एक वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करना चाहिए। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।